शिवराज सिंह चौहान की जिनका बड़ा बयान आया है, जीत का दावा एक बार फिर से वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमपी में होगी अब तक की सबसे बड़ी जीत। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत का दावा किया है मुख्यमंत्री शिवराज ने। आसान भी काय के लिए जनता जनता विश्वास व्यक्त कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में कितनी सीट, मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीत। मतगणना से पहले यहां पर मारपीट हुई, प्रत्याशियों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। विवाद के दौरान जमकर थप्पड़ बरसाए गए। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र का मामला है, रामनगर के मडवार गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सतना का यह वीडियो देखिए किस तरीके से मारपीट हुई है। मतगणना से पहले, काउंटिंग से पहले थप्पड़बाजी यहां पर हो गई। प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद के दौरान जमकर थप्पड़ बरसे हैं। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र का मामला, रामनगर के मडवार गांव का यह वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सतना में रिजल्ट से पहले दावों का दौर लगातार जारी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह नतीजों से पहले पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। गणेश सिंह जनता दरबार भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मां शारदा और चित्रकूट में भगवान कामतानाथ के चरणों में जीत की अर्जी लगाई। उनका दावा है कि जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीत रही है और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। उधर रीवा में बेटों ने पिता की हत्या कर दी। पीट पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। मां को थप्पड़ मारने पर पिता की जान ले ली। दो बेटों और मां पर मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रीवा में बेटों ने अपने ही पिता की जान ले ली है। पीट पीट कर पिता की हत्या कर दी। मां को थप्पड़ मारने पर दो बेटों ने अपने पिता की जान ली। बेटों और मां पर मामला दर्ज कर दिया है पुलिस ने और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सतना के मैहर में एक युवक का मौत के बाद वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक पत्नी और साली से अपनी जान को खतरा बता रहा है। युवक कह रहा है कि उसकी पत्नी और साली उसे प्रताड़ित कर रही हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में युवक ये भी कहता हुआ सुनाई दिया, उसकी माता पिता की जान भी खतरे में। इस वीडियो में युवक माता पिता के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग करता हुआ भी सुनाई देता है, नजर आता है। युवक का नाम आशु तिवारी है। बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या से पहले ये वीडियो बनाया था। ये भी कहा जा रहा है कि युवक ने अमरपाटन थाने में पत्नी और साली के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी पत्नी किसी और शख्स से बात करती थी और इसका विरोध करने पर उसे धमकी दी जाती थी। बेटे के साथ हमारे टार्चर किया गया है। जब से आई है उसकी पत्नी, 4 तारीख को बेटा और हमारा भांजा रोहित मिश्रा FIR करने भी गए हैं हमारे पाटन थाना में, जो कि जिस नंबर से धमकी आता था, जिस नंबर में वो बात करती थी, दोनों नंबर एक ही थे, वो नंबर सहित रिपोर्ट की गई, लेकिन शासन प्रशासन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि कार्यवाही की जाती तो आज मेरे बेटे की जान न जाती। रीवा में लुटेरी दुल्हन का कारनामा सामने आया। शादी से पहले ही दुल्हन जेवर और कपड़े लेकर वहां से फरार हो गई। मामला समान थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी पूजा नाम की युवती से तय हुई थी। युवक के परिवार ने शादी से पहले जेवर और कपड़े युवती को दिए थे, लेकिन ये सामान लेकर युवती अपनी मां के साथ फरार हो गई है। पुलिस लुटेरी दुल्हन और उसकी मां की तलाश कर रही है।
इंदौर से बड़ी खबर, गैंग वार से पहले पुलिस ने शूटर्स को पकड़ा है। बुरहानपुर के खकनार से खरीदे गए थे हथियार, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 पिस्टल बरामद हुई हैं। गैंग वॉर के लिए खरीदे थे हथियार, शिशु गैंग के गुर्गों ने हथियार खरीदे थे। शिशु गैंग शेरू गैंग का सफाया करने के लिए शिशु गैंग ने हथियार खरीदे थे। पंजाब में रहने वाला था बड़ा गैंग वॉर, पंजाब में होने वाला था बड़ा गैंग वॉर, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया। बुरहानपुर के खकनार से हथियार खरीदे गए, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 पिस्टल बरामद हुए। इंदौर से खबर है, सबसे स्वच्छ शहर में गंदगी। जी हां, एक महीने में 8 लाख का जुर्माना लगा है लोगों पर, गंदगी फैलाने वालों पर 8 लाख का जुर्माना लगा है एक महीने में। नगर निगम इंदौर ने जुर्माना वसूला है। सवाल यही है कि जब स्वच्छता में इंदौर नंबर वन है, फिर गंदगी यहां पर क्यों और इतना जुर्माना क्यों वसूलना पड़ा निगम? भोपाल से बड़ी खबर, जहां थाने से चकमा देकर कैदी भाग गया, फरार हो गया। सीहोर जेल से प्रोडक्शन वारंट में लाया गया था कैदी। भोपाल की बैरागढ़ पुलिस इसको कल थाने लाई थी। बिजली कटने का कैदी ने फायदा उठाया। आज सुबह 6:10 के लिए बिजली गुल हुई थी थाने की, और इसी समय कैदी चकमा देकर पुलिस को भाग निकला। पुलिस रिमांड पर था 420 का कैदी। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस पूछताछ करने के लिए इसको लाई थी। सीहोर कोतवाली में मामला दर्ज हो गया है, जेल में कैदी बंद था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे वासु संवाददाता वासु चौरे, जुड़े हुए हैं फोन पर। वासु, यहाँ बिजली गई वहाँ कैदी गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसमें पूरी पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने आई है, और एक कैदी जो कस्टडी से फरार हुआ है, अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। हालांकि पुलिस ने जो कुछ भी इसके पीछे वजह बताई है, और उसके बाद जो तफ्तीश है वो शुरू हो गई है, और कैदी को जल्द ही दोबारा पकड़ लिया जाएगा, ये पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल खड़े होते हैं कि कानून व्यवस्था में, कानून की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी से कोई कैदी जिसके ऊपर जो मामले आपराधिक मामले हैं वो दर्ज है, वो कैसे फरार हो सकता है, और इस पूरे मामले की आगे चल के न्यायिक जांच भी करना सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात है वो यही है कि कैदी फरार होने में कामयाब हुआ है, और पुलिस की जो लापरवाही है उसको लेकर अब आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है आलाधिकारियों की ओर से, ये भी देखने वाली बात होगी, और कब तक इस कैदी को पकड़ा जाता है ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।